अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लखनवी किचन। आज हम यूपी स्टाइल खिचड़ा बनाने जा रहे हैं। कुछ लोग इसे हलेम भी कहते हैं। इसके लिए हमने ये गूरी ली है, गेहूँ जो ऊपर से छिलका उतरा हुआ होता है, मार्केट में मिल जाता है आसानी से। एक कप ये लिया है और एक कप चने की दाल। इसको एक घंटे के लिए भिगो दिया था और ये रात भर भिगो के रखा है हमने। अब इसको हम उबलने के लिए एक कुकर में डाल देंगे। इसमें हम थोड़ा सा नमक डाल देंगे और हल्दी डाल देंगे और इसमें पानी डाल के इसको उबलने के लिए रखेंगे। इसमें पानी अभी और पड़ेगा थोड़ा। इसमें ये दो कप गूरी, एक कप गूरी और एक कप चने की दाल थी, तो इसलिए इसमें तीन कप पानी डाल दें और फिर इसको आधे घंटे के लिए स्लो फ्लेम पर पकाएं। जब एक सीटी आ जाए तो फ्लेम को स्लो कर दें और बिल्कुल धीमी आंच पर पका लें। ये देखिए, चने की दाल और गूरी हमने गला ली है। इसको एक बड़े बर्तन में कर लिया है और ये दालें हैं जिनको हमने ड्राई रोस्ट कर लिया है। थोड़े से चावल भी इसमें डाले हैं। ये दालें हमने ड्राई रोस्ट कर ली हैं। इसमें हाफ कप ये खड़ी मूंग डाली है, हाफ कप जो है माश की दाल डाली है और हाफ कप में ये मसूर की दाल छिलके वाली भी है और बिना छिलके वाली भी है जो धुली हुई होती है, और ये 1/4 कप हमने इसमें चावल डाल लिए हैं। इसको ऐसे ही ड्राई रोस्ट कर लिया है। अब इसको अच्छे से धो के इसको उबलने के लिए रख देंगे जब तक ये गल ना जाए। 10-15 मिनट में ये दाल गल जाएगी। थोड़ा सा नमक और हल्दी इसमें डाल के हमने इसको कुकर बंद करके चढ़ाने जा रहे हैं। इसको 15 मिनट के लिए स्लो फ्लेम पर पकाएंगे। दालें अच्छे से गल जानी चाहिए। ये सारी दालें और चावल मिला के 2 कप हुआ था, इसमें हमने 2 कप ही पानी डाल दिया है और हल्दी नमक डाल दिया है। अब इसको हम उबालने के लिए रख देते हैं। ये कुकर में हमने 250 ml कड़वा तेल ले लिया है, सरसों का तेल। ये गरम हो रहा है। ये 1 किलो हमने मीट लिया है, ये मटन का है, आप चाहें तो रेड मीट भी ले सकते हैं। ये 2 प्याज हमने काट लिए, 1 बड़ी इलायची है और ये दालचीनी के 2 टुकड़े हैं। इसको हम बघारने के लिए यूज़ करेंगे। हल्दी और ये है अदरक लहसुन और प्याज का पेस्ट। इसमें 4 चम्मच प्याज है, 2 चम्मच लहसुन और 2 चम्मच अदरक का पेस्ट है। हल्दी, धनिया और मिर्चा को हम यूज़ करेंगे तो आपको दिखाएंगे। हमने इसमें प्याज डाल दिया है, अब ये लाल हो जाएगा तब हम इसमें गोश्त डालेंगे। ये देखिए, प्याज लाल हो गया है, अब हम इसमें गोश्त डाल देंगे। थोड़ा सा भून लिया इसको हमने तेल में और ये अदरक लहसुन डाल दिया। दो चम्मच हल्दी, 2 चम्मच मेरा, 2 चम्मच धनिया डाल दिया इसमें। इसको थोड़ी देर ऐसे ही भून लेंगे 5-10 मिनट और फिर उसके बाद इसमें हम पानी डाल के इसको गलाएंगे। ये गोश्त को हमने अच्छे से भून लिया है मसाले के साथ। अब इसमें ये 1 कप पानी डाल देंगे और इसको 15 मिनट तक स्लो फ्लेम पर गला लेंगे जब तक ये मीट गल ना जाए। ये देखें, दाल भी हमारी गल गई है। अब इस दाल को हम इस गूरी और चने की दाल में मिक्स कर देंगे। ये जो हमने मटन को पकाया था 15 मिनट में, ये भी बिल्कुल अच्छे से गल गया। थोड़ा सा पानी था वो हमने इसका जला दिया है। ये 1 चम्मच खुशबू का मसाला हम इसमें डाल देंगे और इस
इसको जो है बस यूं ही रखना है। थोड़ा सा नमक कम है, इसमें हम नमक थोड़ा सा और डाल दे रहे हैं। बस ये इतना ही सलसला रखना है इसको। ये देखिए सारी दालें हमने मिक्स कर दी हैं, गूरी भी इसमें मिक्स है, हर दालें मिक्स है इसके अंदर। अब इसको अच्छे से घोटना है। ये अदरक है, हरे मिर्चे हैं, ये 2 चम्मच अदरक है और 4 हरे मिर्चे हैं, इसको भी हमने काट के इसमें डाल दिया है। हरे मिर्चे आप जितने चाहें उतने डाल सकते हैं, जितना तीखा पसंद करते हो। इसकी घुटाई बहुत अच्छे से करनी है, कम से कम 10-15 मिनट तक के इसको खूब अच्छे से घोटें और इस तरीके से कर दें जो थोड़ी सी दालें दरदरी होंगी वो मिक्स हो जाएंगी। अब दालें अच्छे से मिक्स हो गई हैं, अच्छी तरह से घुट गई है। अब हम इसमें जो हमने गोश्त पकाया है उसको मिलाते हैं। ये देखिए सारा गोश्त हमने इसमें डाल दिया है। अब इसके साथ इसको अच्छे से पकाना है, 10-15 मिनट अभी इसको और पकाया जाएगा। और अगर थोड़ा गाढ़ा लगेगा तो इसमें थोड़ा पानी भी डालेंगे। देखिए सारा गोश्त और तेल वगैरह सब मिक्स हो गया इसमें। अभी हम थोड़ा सा पानी डाल रहे हैं, जो इस कुकर में बनाया था उसी में थोड़ा सा पानी डाल दिया है। अब इसमें थोड़ा सा भुना ज़ीरा डाल देंगे 1 चम्मच, थोड़ा नमक भी कम है इसलिए नमक भी डाल देंगे और थोड़ी सी काली मिर्च का पाउडर। बस ये फदक गया है, देखिए पकने लगा है। अब बस इसको गैस ऑफ कर देंगे हम। ये देखिए हमारे यूपी स्टाइल का खिचड़ा रेडी हो गया है। इसको धनिया की पत्ती और हरे मिर्चे गार्निश करें और नींबू डाल के सर्व करें। सर्व करने से पहले इसमें भुने जीरे का पाउडर भी ज़रूर डालिए, इससे टेस्ट बढ़ जाता है। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। अल्लाह।